सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सट्रूड टूल बताने जा रहा हूँ आपको आज पार्ट डिज़ाइन का। तो यहाँ पे आप न्यू पेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको तीन टैब दिख रहा है, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। पार्ट में क्या होता है, आपके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, पार्ट डिज़ाइन, सीट मेटल, सरफेस, वेल्ड, मोल्ड, सारे मॉड्यूल्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। असेंबली में क्या होता है कि आप वही जो पार्ट्स अलग अलग बनाते हो वो आप यहाँ पे लाके एक कंप्लीट असेंबल कर सकते हो, मतलब एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो एक प्रोडक्ट। ड्राइंग का काम क्या होता है कि आप उन जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, असेंबली वाला या कोई भी पार्ट है, तो उसकी डिटेल या ड्राइंग जो भी सेक्शन दिखाना वो आप इसके अंदर दिखाते हो। तो मैं स्टार्ट पार्ट से कर रहा हूँ, पार्ट, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो टैब आ रही हैं, सबसे पहले फीचर्स, स्केच, इसके अंदर और भी टैब्स हैं जो कि अभी हाइड है, अगर आप ऑन करना चाहते हो तो इस पर राइट क्लिक कर लो किसी भी टैब पे, तो यहाँ पे आपको देखिए दिख जाएगी, जैसे सरफेस, सीट मेटल, वेल्ड, तो ये आपकी टैब ऐड हो गई सीट मेटल में। तो अभी तो मुझे पार्ट डिज़ाइन में एक्सट्रूड का मैं आपको यूज़ बताने जा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत है तो एक्सट्रूड बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने फ्रंट प्लेन लिया। यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे स्केच का ऑप्शन यहीं आ जाता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज़ आप स्केच टैब पे जाइए, यहाँ पे स्केच पे क्लिक कीजिए। स्केच पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप स्केच टूल्स का यूज़ कर सकते हैं कोई भी 2D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। जैसे मुझे एक्सट्रूड करना है, मैंने सपोज़ एक रेक्टेंगल बना लिया, मैंने सपोज़ रेक्टेंगल पर क्लिक किया और सेंटर रेक्टेंगल यहाँ से क्रिएट कर लिया, जिसकी मैंने डायमेंसन, स्मार्ट डायमेंसन पर क्लिक किया और इसके बाद लाइन को सिलेक्ट किया इस वाली को, इसकी मैंने डायमेंशन दे दी सपोज़ 10 और इसको सिलेक्ट किया, इसकी डायमेंशन मैंने दे दी 7, ओके। यहाँ से आप फिनिश स्केच कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से या इस जगह से, ठीक है। ये स्केच क्लोज़ हो गया। इसके बाद आप जैसे ही आपने स्केच क्लोज़ किया, देखिए स्केच की प्रोफाइल आ गई यहाँ पे, जो आपने स्केच बनाया था आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप फीचर्स पे आइए और एक्सट्रूड पे क्लिक कीजिए। तो देखिए ये आपका स्केच जो है, यहाँ से जो भी आप डायमेंशन देना चाहते हैं आप डायमेंशन के थ्रू स्केच यहाँ पे एक्सट्रूड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मुझे 5 एक्सट्रूड करना, तो 5 दिया डायरेक्ट, आप 5 भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये अभी आगे साइड को हो रहा है, अगर पीछे साइड को करना है तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, रिवर्स डायरेक्शन, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं आगे पीछे, ओके। तो मैं इसके बाकी के जो ऑप्शन है वो आज आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है, जब आप एक्सट्रूड करते हैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम। फ्रॉम के अंदर कुछ ऑप्शन है, सबसे पहला फ्रॉम के अंदर है स्केच प्लेन। अगर आपने स्केच प्लेन सेलेक्ट किया तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी डायमेंसन आप एक्सट्रूड की देते हो, जैसे आपने 5 दिए, तो ये जो एक्सट्रूड होगा वो जहाँ पर स्केच बना है वहीं से एक्सट्रूड होगा, मतलब जिस प्लेन पे हमने स्केच बनाया था वो वहीं से एक्सट्रूड हो रहा है। फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से आप एक्सट्रूड कर रहे हो उसको, तो मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ जहाँ पे ये प्लेन बना था, तो सिंपली ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। दूसरा ऑप्शन है सरफेस या फेस प्लेन। इसका यूज़ कैसे करते हैं, देखिए जैसे सपोज़ यहाँ पर मैं एक दूसरा स्केच बना रहा हूँ, मैंने क्या है कि ये वाला जो बनाया था ये फ्रंट प्लेन पर बनाया था, तो मैं इसका परपेंडिकुलर एक दूसरा प्लेन ले रहा हूँ, टॉप प्लेन, इस तरीके से टॉप प्लेन लिया। इसके बाद स्केच पे जाके मैंने स्केच पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे जो मेरी प्रोफाइल आई है इस पर राइट क्लिक करके नॉर्मल व्यू कर रहा हूँ इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे एक SP लाइन बना ली सपोज़ कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा उससे डिस्टेंस पे मैंने कुछ इस तरीके से बना ली, फिनिश किया स्केच। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज़ इसको मैं यहाँ पर सरफेस में जाके इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, कौन सा है, सरफेस एक्सट्रूड, ठीक है। तो सरफेस एक्सट्रूड गया, यहाँ पे मैंने ऑप्शन ले लिया सपोज़ मिड प्लेन। मिड प्लेन में क्या होगा कि आप दोनों तरफ बराबर एक्सट्रूड कर सकते हो, तो मैंने इस तरीके से इसको ड्रैग करा के एक्सट्रूड कर लिया, या डायमेंशन भी हम दे सकते थे, मैंने सपोज़ डायमेंशन 15 दे दी, तो ये 15 एक्सट्रूड हो गया दोनों साइड, ओके फिनिश। तो अभी मैं जो आपको ये बताने जा रहा हूँ, बेसिकली मैं फीचर्स एक्सट्रूड टूल बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक सरफेस की ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने एक सरफेस बनाया। अब मैं वापस वही वाला स्केच सेलेक्ट कर रहा हूँ जो पहले वाला प्रोफाइल था, ये रेक्टेंगल। अब मैंने यहाँ पे फीचर्स में आके एक्सट्रूड किया, तो इसमें एक जो सेकंड ऑप्शन था फ्रॉम के अंदर सरफेस, सरफेस का और फेस का क्या मतलब वो देखिए, मैं सरफेस पे अगर क्लिक करता हूँ तो अब अगर यहाँ पे देखते हैं सरफेस पे क्लिक करने पे तो सरफेस का ऑप्शन एक आ रहा है, यहाँ पे आप सरफेस को सिलेक्ट कीजिए, तो अब ये जो आपका स्केच था वो यहाँ से एक्सट्रूड नहीं हो रहा, अब वो कहाँ से एक्सट्रूड हो रहा है, जहाँ पर सरफेस बना हुआ है, और ये कुछ उसी तरीके से शेप भी आ गया। अगर आप इसको इस साइड से देखेंगे तो आपका रेक्टेंगुलर ही है, लेकिन इधर साइड से देखें तो इसका सरफेस का जो शेप था उसी तरीके से हो गया।
फ्रंट से भी रेक्टेंगल है और बैक साइड से भी, लेकिन अभी ये यहाँ से हो रहा है। तो सरफेस फेस प्लेन का मतलब ही यही है कि अगर आपके पास कोई फेस है तो आप फेस सेलेक्ट करिए तो वहाँ से एक्सट्रूड होगा, या कोई प्लेन है तो प्लेन से एक्सट्रूड कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जैसे यहाँ पे मैंने सरफेस लिया था तो सरफेस मैंने क्रिएट किया, उस पर क्लिक किया और सरफेस सेलेक्ट किया तो सरफेस से एक्सट्रूड हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है वर्टेक्स। वर्टेक्स का क्या होता है कि सपोज़ आपके पास आपने ये बना लिया लेकिन आपके पास कोई पॉइंट है और आप चाहते हो ये यहाँ से एक्सट्रूड ना हो, क्योंकि अगर अभी आप इसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करोगे तो ये एक्सट्रूड वहीं से होगा, लेकिन आप चाहते हो ये यहाँ से ना एक्सट्रूड होगे, किसी पॉइंट के आगे से एक्सट्रूड हो, तो आपके पास वो पॉइंट होना चाहिए जहाँ से आप एक्सट्रूड करना चाहते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पर वर्टेक्स ऑप्शन लिया और मैंने पॉइंट सपोज़ अभी ये कॉर्नर मान लिया, जैसे सरफेस का ये जो कॉर्नर एज है इस पर क्लिक किया तो देखिए अब वो एक्सट्रूड उसके जस्ट सामने से ही एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक उसके सामने से ही एक्सट्रूड हो रहा है। अगर मैं वर्टेक्स ये वाला ले लूँ तो वो वहाँ से एक्सट्रूड होगा। ओके, तो जहाँ भी आपका पॉइंट होगा वहाँ से वो एक्सट्रूड होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रॉम का मतलब ही यही है कि आप कहाँ से एक्सट्रूड। ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि आप डिस्टेंस दे के भी एक्सट्रूड कर सकते हो। जैसे आपको अगर सपोज आपने एक्सट्रूड यहाँ सरफेस यहाँ सॉरी आपने जो स्केच बनाया था रेक्टेंगल वो यहाँ बनाया, लेकिन आप चाहते हो ये कम से कम यहाँ से 5 डिस्टेंस पर एक्सट्रूड हो, तो आपने यहाँ पर 5 दे दिया, ठीक है। अब ये अपनी जगह से 5 हट के एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है, और आप इसको जितना एक्सट्रूड करना चाहो उतना कर दो। अगर सपोज़ मैंने इसको 10 कर दिया तो ये 10 एक्सट्रूड हो, तो इसकी एक्सट्रूड जो डिस्टेंस है वो 10 है, लेकिन अगर मैं इस एंड से जो स्केच प्लेन है इसके बीच की डिस्टेंस देखूंगा तो वो 15 होगा, क्योंकि 5 तो ये डिस्टेंस हो गया और 10 ये हो गया। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे सपोज अभी मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, पहले तो ये सरफेस को मैं सरफेस सेलेक्ट कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड का ऑप्शन आ रहा है, इसको हाइड कर रहा हूँ, ये हाइड हो गया। अब मैं वापस इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्केच को, और एक्सट्रूड किया मैंने सपोज कुछ इसको 5 एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है। यहाँ पर सपोज एक सपोर्टिंग कोई मेम्बर लगा हुआ है, मैंने सपोर्टिंग मेम्बर के लिए वो और उसकी डिस्टेंस दी गई है कि वो 2 mm आगे हो। आपने क्या किया, सबसे पहले स्केच पे गए और ये वाला फेस सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्केच पे जाके स्केच पे क्लिक कर दिया, तो ये आपका स्केच आ गया। इस पर राइट क्लिक करके नॉर्मल व्यू, यहाँ पे मैंने एक लाइन ली और लाइन कुछ इस तरीके से बना ली, ये सपोर्टिंग विदाउट डायमेंशन बनाया मैंने, स्केच क्लोज कर दिया, ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है, मैं इसको एक्सट्रूड सपोज 2 करना चाहता हूँ, 2 लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, तो देखिए उधर एक्सट्रूड हो रहा है। अब मैंने ये आपसे बोला कि एक्सट्रूड मुझे 2 उधर करना है लेकिन यहाँ से कुछ इसकी डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस भी 2 है, तो अब आपको अगर 2 उस साइड बनाना था तो उसके लिए आपको एक प्लेन बनाना पड़ता पहले जहाँ पर आप स्केच बनाते, लेकिन मैं चाहता हूँ जल्दी हो जाए तो उसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पर फ्रॉम पे, यहाँ पर आप ऑफसेट ले लीजिए और ऑफसेट डिस्टेंस 2 दे दीजिए, और यहाँ पे एक रिवर्स ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ये इस साइड हो रहा है तो रिवर्स ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो देखिए ये रिवर्स ऑप्शन, तो ये इस साइड उस साइड करने के लिए ये डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने, ये देखिए अब ये स्केच बना आपका यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ से एक्सट्रूड नहीं हो रहा है, वहाँ से 2 mm डिस्टेंस ले करके आगे से हो रहा है, सॉरी ये mm नहीं इंचेस है, 2 inches आगे हो गया और फिर वहाँ से एक्सट्रूड हो रहा है। और आपको एक्सट्रूड सपोज अगर 1 करना है तो आपने यहाँ 1 कर दिया, तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस इसकी 2 हो गई और ये 1 एक्सट्रूड हो गया। अब इसमें अगर आप देखिए तो आपका स्केच आपका यहाँ बना था लेकिन एक्सट्रूड यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये 1 हो गया, तो आपका थोड़ा सा टाइम बच जाता है। अगर यही चीज़ आपको इस साइड करनी है तो आप मिरर कर सकते हो, वरना अगर आपको ऐसे करना होता तो आप पहले प्लेन बनाते यहाँ से आगे फिर जाके करते, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये क्लियर हो गया, अभी मैं बैक कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमने यहाँ तक एक्सट्रूड किया था, मैंने बैक कर दिया। अब आगे के ऑप्शन बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये स्केच पर क्लिक किया एक्सट्रूड, ये देखिए एक्सट्रूड हो रहा है। इसमें अब आ जाते हैं, ये फ्रॉम वाला तो क्लियर हो गया, अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन है इसमें डायरेक्शन 1। डायरेक्शन 1 में क्या होता है कि आपको जिस साइड एक्सट्रूड करना है वो किस तरीके का पैटर्न क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे सबसे पहले ब्लाइंड, ब्लाइंड में तो सिंपल है, डिस्टेंस आप दीजिए और जितना एक्सट्रूड करना है आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ऑप्शन आता है डायरेक्शन के साथ आप क्या है प्रोफाइल भी दे सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये सामने थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट एक्सट्रूड हो, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि पहले वो प्रोफाइल होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक सपोज टॉप प्लेन लिया जो इसका प्लेन था उसका परपेंडिकुलर, और यहाँ पे स्केच पे क्लिक करके नॉर्मल व्यू, और यहाँ पे एक लाइन बना ली कुछ इस पॉइंट से ऐसे, स्केच क्लोज। अब देखिए
अब मैं अगर ये पहले वाली प्रोफाइल लूँ रेक्टेंगल और इसको एक्सट्रूड करता हूँ तो देखिए एक्सट्रूड हो रहा है सिंपल, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये एक्सट्रूड ऐसे ना हो के टिल्ट हो, तो यहाँ पे ब्लाइंड में ये जो ऑप्शन आ रहा है डायरेक्शन एक्सट्रूशन, इस प्रोफाइल वाले पे क्लिक कीजिए और प्रोफाइल में ये लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए अब ये इस तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है जिस तरीके से लाइन है। अगर ये लाइन मैं हटा दूँ तो ये किस तरीके से आएगा, सिंपल ऐसा। लेकिन अगर आपने लाइन सेलेक्ट कर ली तो ये कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड होगा, ठीक है। उसको डायरेक्शन मिल गया एक्सट्रूड होने का, बाकी आप डिस्टेंस जितनी चाहे उतनी दे सकते हैं। रिवर्स करना है तो बैक, डायरेक्शन लेकिन वही रहेगा क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सट्रूशन के लिए लाइन सेलेक्ट की हुई है। इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन है अप टू वर्टेक्स। अप टू वर्टेक्स में अगर आपके पास कोई पॉइंट है और वहाँ तक एक्सट्रूड करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो एक्सट्रूड हो रहा है। अब मुझे इसको एक्सट्रूड इसके ठीक सामने तक करना है तो मुझे पहले इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है कि आप सीधा यहाँ पर अप टू वर्टेक्स ले लो, जिस पॉइंट तक करना है वो वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो, हो रहा है। इसमें भी आपको डायरेक्शन का भी मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो कि ये यहाँ तक एक्सट्रूड हो लेकिन डायरेक्शन यही रहे तो आप इसमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर से ये लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए हो रहा है और एक्सट्रूड वहीं तक हो रहा है उस पॉइंट तक। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं डायरेक्शन तो डायरेक्शन हटा दीजिए, एक्सट्रूड हो रहा है लेकिन ये एक्सट्रूड ठीक इसके सामने तक हो रहा है जहाँ तक ये पॉइंट है, क्योंकि हमने वर्टेक्स ऑप्शन लिया है। इसके बाद है अप टू सरफेस। अप टू सरफेस देखिए क्या होता है। जैसे मैंने इसमें पहले एक सरफेस बनाया था, मैं इसको दोबारा से शो कर रहा हूँ क्योंकि हाइड किया था, ये सरफेस है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला रेक्टेंगल एक्सट्रूड हो इस सरफेस तक, तो मैंने इस प्रोफाइल को सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड किया। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन ले लिया अप टू सरफेस और सरफेस में ये सरफेस सेलेक्ट कर लिया। देखिए ये एक्सट्रूड हो रहा है और उस सरफेस के शेप में, जैसे कई बार कोई बॉडी होती है वो कर्व में है तो फिर अगर एक्सट्रूड नॉर्मल होता तो गैप आता, अब यहाँ गैप नहीं आएगा। इसी तरीके से इसमें अप टू बॉडी भी होता है। अप टू बॉडी में क्या है, अगर ये सरफेस की कोई बॉडी बनी होती कर्व बॉडी, जैसे कोई सर्कुलर पाइप है या सिलेंड्रिकल है, तो उसमें वो चीज़ आके बिल्कुल टच हो जाती है, इसमें गैप नहीं आता। तो ये अप टू सरफेस और अप टू बॉडी दोनों सेम ऑप्शन है, बस ये सरफेस के लिए यूज़ होगा, ये बॉडी के लिए। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस में क्या होता है कि आप जो चीज़ एक्सट्रूड कर रहे हो वो सरफेस सेलेक्ट करने के बाद उसके बीच में जो गैप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे 1 इंचेस है, मैं सपोज चाहता हूँ 0.5 इंचेस आ जाए तो 0.5 इंच का गैप आ रहा है, लेकिन सेफ वही सरफेस का आ रहा है। इसमें एक चीज़ और भी है कि आप चाहते हो कि ये इस साइड आए तो इसमें रिवर्स ऑफसेट कर दीजिए, तो देखिए ये बाहर साइड को आ रहा है। अगर वहीं चाहते हो बैक तो बैक कर सकते हो, ये रिवर्स ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप कर सकते हो इसका यूज़, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन मिड प्लेन का है। मिड प्लेन में क्या है कि जो आप एक्सट्रूड कर रहे हो वो दोनों साइड होगा स्केच प्लेन से, जितनी भी आप डिस्टेंस दोगे। तो डायरेक्शन वन क्लियर हो गया। डायरेक्शन वन में एक ऑप्शन और है आपका, यहाँ पे दिया है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या होता है, जैसे सपोज़ मैं इसको ब्लाइंड वाली से एक्सट्रूड कर रहा हूँ इस साइड, और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा चारों तरफ एंगल के थ्रू हो, तो यहाँ पर ड्राफ्ट एंगल पर क्लिक कर लीजिए। अभी देखिए इसमें चारों तरफ एंगल बन रहा है, आपने एंगल सपोज़ यहाँ पर दे दिया 5, तो ये 5 एंगल चारों साइड से कर लेके हो रहा है। डिस्टेंस आप जितनी देना चाहो आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद है ड्राफ्ट आउटवर्ड। ड्राफ्ट आउटवर्ड का ये है कि 5 एंगल जो है अंदर हो रहा है, अगर बाहर चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिए, चेंज हो रहा है एंगल। इसमें इसी में आपका एक ऑप्शन है डायरेक्शन टू। डायरेक्शन टू का काम क्या होता है, जैसे सपोज आपने ये स्केच बनाया, यहाँ पे आप चाहते हो कि ये बैक साइड में जाए सीधा लेकिन इस साइड आए सरफेस पे टच करता हुआ, तो अब एक ही टूल से तो नहीं हो सकता, तो इसके लिए सॉरी एक बार में तो हो नहीं सकता, तो इसमें दो डायरेक्शन यूज़ होंगे। तो पहले वाले में तो पहले मैंने रिवर्स किया, इस डायरेक्शन पे जा करके मैंने ले लिया अप टू सरफेस और सरफेस को सिलेक्ट कर लिया, ये हो रहा है। अगर आप एंगल रखना चाहते हो रखो, अदरवाइज ये ड्राफ्ट एंगल यहाँ पर जो बटन है इसको ऑफ कर दीजिए, ये हो रहा है। लेकिन आप बैक साइड में चाहते हो जाए तो यहाँ पर डायरेक्शन टू को ऑन कर लीजिए, तो सारे ऑप्शन वही मिलते हैं। अब जैसे आपने ब्लेंड ले लिया, अब यहाँ पर आप इसमें डिस्टेंस दे सकते हैं, देखिए बैक साइड में जा रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इस साइड सीधा आ रहा है लेकिन पीछे साइड को एंगल रहे, इसमें ड्राफ्ट एंगल पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे आप एंगल दे सकते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ड्राफ्ट आउटवर्ड चाहिए तो आउटवर्ड ले लिया, तो बाहर साइड एंगल हो जाएगा, आपको जितना एंगल चाहिए आप एंगल ले लीजिए बाहर साइड को। इसके बाद इसमें थिन फीचर्स भी है, अगर आप चाहते हो ये अंदर से हॉलो रहे उसके बीच में थिकनेस आए तो थिन फीचर्स ऑन कर लीजिए, आप थिकनेस दे सकते हैं, ठीक है। थिकनेस को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाता हूँ। इसके लिए मैं वापस आ गया, यहाँ पे प्रोफाइल ली, एक्सट्रूड गया। एक्सट्रूड लेने के बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से एक्सट्रूड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे थिन फीचर्स ऑन किया, देखिए हॉलो हो गया, ये थिन फीचर्स ले लिया। थिकनेस आपको जितनी चाहिए वो आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप एक साइड चाहते हैं या दोनों साइड बराबर,
तो देखिए जहाँ पे स्केच बना है उसका स्केच का सेंटर ले रहा है दोनों तरफ। अगर आप वन साइड लोगे तो एक साइड बाहर या अंदर, इससे आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने टू डायरेक्शन लिया तो आपको दो डायरेक्शन मिलेंगे। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि स्केच बना हुआ है उसके बाहर साइड डिस्टेंस कुछ और है और अंदर साइड का जो है कुछ और है, तो अंदर साइड के लिए अलग ले लिया। ठीक है, मैं इसको आपको सामने से दिखाऊँगा तो साइज ज़्यादा क्लियर समझ में आए आपको। ये मैंने फ्रंट ले लिया, अभी देखिए स्केच है और मैं इसका ये बाहर वाला अलग आ रहा है, अंदर वाला अलग है। अगर आपने वन डायरेक्शन लिया तो ये बाहर साइड रहेगा या अंदर साइड रहेगा, एक ही डिस्टेंस आएगी। और अगर मिड लिया तो दोनों तरफ बराबर रहेगा डिस्टेंस जो भी आपने। ओके, कैप एंड अगर आप यूज़ करते हो तो ये क्या है, अंदर से हॉलो रहेगा और चारों तरफ से बंद रहेगा। देखिए दिख रहा है, ये अंदर से बंद है, सॉरी अंदर से हॉलो है और चारों तरफ से बंद है। कैप एंड की डिस्टेंस जो देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो यहाँ से। क्लियर। इसमें एक चीज़ और है, जैसे आपने ये स्केच बनाया था, अगर इसी स्केच में मैं अभी एडिट कर रहा हूँ राइट क्लिक करके, या यहाँ से भी राइट क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। इसी स्केच में सपोज़ मैंने और भी चीज़ें ऐड की हुई, मान लीजिए रेक्ट सर्कल ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, एक सर्कल ये बना हुआ है, एक सर्कल ये बना हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या किया, जब एक्सट्रूड किया उस टाइम पे मैंने एक्सट्रूड करते समय इसमें कोई प्रोफाइल अगर मैं यहाँ पे कंटूर्स में जाके हटाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से पहले स्केच को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो कंटूर्स में मैं चाहता हूँ ये वाली प्रोफाइल है तो मैं प्रोफाइल ले सकता हूँ। तो देखिए ये प्रोफाइल हो रही, अब सपोज़ मुझे ये नहीं करना है तो छोड़ दिया, या मुझे ये वाला रेक्ट सर्कल करना है सिर्फ तो सर्कल एक्सट्रूड हो रहा है, फिनिश कर दिया। तो इसमें यह है कि आप अलग अलग प्रोफाइल के अंदर भी जो अलग अलग स्केचेस थे उनको एक्सट्रूड कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, एक्सट्रूड के अंदर एक मर्ज का ऑप्शन और होता है जिसको मैं आप बता देता हूँ आज ही। जैसे अभी ये रेक्टेंगल था फिनिश, मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ सिंपली, ये देखिए एक्सट्रूड कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से। अब इसी तरीके से सपोज़ मैं यहाँ पे एक फेस पे एक सर्कल बना रहा हूँ और मैं इसको भी एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ये एक्सट्रूड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, ये मर्ज का ऑप्शन तभी दिखता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टच कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे ये मर्ज का ऑप्शन अगर सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा कि जब मैं फिनिश करूँगा तो ये दोनों बॉडी एक ही होंगी। आप देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है सॉलिड बॉडी एक, सरफेस बॉडी, क्योंकि सरफेस अलग बना है तो सरफेस बॉडी एक आ रहा है, सॉलिड बॉडी एक आ रहा है, ये दोनों क्या हुए, एक हो गए। ठीक है, अगर इसी में जब मैं एक्सट्रूड कर रहा था ऐड फीचर्स में जा रहा हूँ और अगर ये मर्ज का ऑप्शन मैं हटा देता तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाली बॉडी अलग, ये वाली बॉडी अलग काउंट होगी। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है सॉलिड बॉडी टू। इसका क्या होता है कि जब आप मटेरियल लगाओगे तब आपको दिखेगा दोनों में डिफरेंस। में इसमें क्या होगा, अगर बॉडी काउंट करेंगे तो यहाँ पे दो बॉडी मानी जाएंगी और अगर यहाँ पे आपने मर्ज का ऑप्शन लिया हुआ है तो क्या होगा, ये सिंगल बॉडी होगी। ठीक है, तो देखिए सिंगल बॉडी आ रहा है, यानी कि ये एक कंप्लीट एक सॉलिड सिंगल बॉडी का है। ओके, तो ये एक्सट्रूड के अंदर सारे टूल्स जो ऑप्शन थे वो मैंने आज आपको बता दिए। नेक्स्ट